गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज एक न्यू चैप्टर आपके लॉ में शुरू करने वाले हैं बेटा, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है बेटा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। चलो शुरू करते हैं बेटा। बेटा सबसे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। ठीक है, शेयर में और स्टॉक में बेटा क्या डिफरेंस है। तो बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 84 शेयर को डिफाइन करता है बेटा, और वो कहता है शेयर क्या होता है। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो पता है उसने क्या कहा बेटा, उसने कहा शेयर क्या होता है। शेयर मतलब शेयर, मतलब शेयर का बेटा, वैसे एक बात बताओ हिंदी में क्या मतलब है शेयर का। बेटा हिंदी में मतलब होता है शेयर का हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में, हिस्सा, मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल में आपका जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, शेयर। तो कंपनी की शेयर कैपिटल में आपका जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं बेटा। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा, फिर स्टॉक क्या होता है। स्टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, एक सिंपल सा है, फिर हम मेन केस शुरू करेंगे बेटा। कंपनी की बैलेंस शीट है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख की। ठीक है, तो बेटा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी में, टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स में से मैं बेटा होल्ड करता हूं कंपनी के 5000 शेयर्स। मैं कंपनी में होल्ड करता हूं बेटा 5000 शेयर्स। तो आप कह सकते हो बेटा 1 लाख में से मेरा हिस्सा उस कंपनी में कितना है, 5000 शेयर्स का। मतलब सिंपल वर्ड्स में 5% हिस्सा उस कंपनी में मेरा है। दिस इज नोन एज शेयर। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ शेयर्स इज नोन एज स्टॉक। तो 5000 शेयर्स का जो कलेक्शन है, ग्रुप है, उसे हम क्या नाम देते हैं, स्टॉक। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा। तो शेयर का मतलब बेटा होता है, शेयर मतलब क्या हो गया, कंपनी में आपका हिस्सा कितने का है, दैट इज नोन एज शेयर। और कलेक्शन ऑफ मैनी शेयर्स, कलेक्शन ऑफ मैनी शेयर्स बिकम अ स्टॉक। ठीक है, तो 5000 शेयर के कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टॉक नाम देते हैं। पहले तो आप बात समझ आई बेटा। ठीक है, तो शेयर्स का मतलब क्या हो गया, कंपनी में आपका जितना हिस्सा है, दैट इज नोन एज शेयर। ठीक है, स्टॉक क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मैनी शेयर्स बिकम अ स्टॉक। तो मैं 5000 शेयर्स कह लूं या मैं स्टॉक कह लूं, 1 स्टॉक कह लूं, तो वो एक ही बात है बेटा। या तो आप कह लो 5000 शेयर्स है मेरे पास, या आप मेरे पास कह लो मेरे पास 1 स्टॉक है 5000 शेयर्स का। ठीक है, तो आप कह सकते हो मेरे पास 5000 शेयर्स है कंपनी के, या आप कह सकते हो मेरे पास 1 स्टॉक है कंप्राइजिंग 5000 शेयर्स। ठीक है बेटा, मेन बातें बेटा हमारी शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे साथ, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 43। आओ बेटा मेरे साथ शुरू करेंगे। देखो सब, सेक्शन 43 से शुरू कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल
हेडिंग लिखो बेटा मेरे साथ, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा याद रखना, शेयर कैपिटल ना बेटा दो तरह की होती है, ठीक है? कौन कौन सी दो? एक होती है बेटा हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरी होती है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस और इक्विटी, शेयर कैपिटल तो बेटा दो ही है, प्रेफरेंस और इक्विटी। और बेटा इक्विटी की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल दो होती है, एक होती है विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, और एक होती है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो एक होती है विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और एक होती है बेटा विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिन्हें हम पॉपुलरली नाम देते हैं DVRs, जिन्हें हम नाम देते हैं बेटा पॉपुलरली DVRs, ठीक है? इनके बारे में बेटा पढ़ेंगे। पहले चार्ट बना लो फिर समझना शुरू करते हैं। चलो बेटा समझते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा क्या होती है। आपको पता है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है? प्रेफरेंस क्योंकि बेटा इनको प्रायोरिटी मिलती है, इनको प्रायोरिटी मिलती है। किसके ऊपर इनको प्रायोरिटी मिलती है? ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल। इसीलिए इनको प्रेफरेंस कहा जाता है, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। तो इनको प्रायोरिटी मिलती है बेटा ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल। सर किस चीज की इन्हें प्रायोरिटी मिलती है? बेटा दो चीजों की इनको प्रायोरिटी मिलती है। कौन कौन सी? सबसे पहले डिविडेंड की प्रायोरिटी मिलती है। क्या मतलब है? मतलब बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इनको प्रायोरिटी मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है? तो पहली प्रायोरिटी। दूसरी बेटा एक बात याद रखना, कल को अगर कंपनी लिक्विडेट होती है मतलब वाइंड अप होती है तो बेटा याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाना पड़ेगा। मतलब इन्हें प्रायोरिटी मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो कंपनी अगर कल को बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाना पड़ेगा। तो बेटा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो प्रायोरिटीज मिलती हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसीलिए हम इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं बेटा। तो कौन सी दो प्रायोरिटी? एक बार सम अप करो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाना पड़ेगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ आया बेटा सबको? कॉपी कर लिया? आ जाओ मेरे साथ। देखो बेटा
शेयर कैपिटल इज ऑफ टू काइंड्स, नेमली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. और इक्विटी शेयर कैपिटल दो हैं, विद वोटिंग राइट्स. बेटा विद वोटिंग राइट्स मतलब विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स. और दूसरे हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब डीवीआरस, मतलब डीवीआरस. तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी दो हैं, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. क्या डिफरेंस है वो अभी बाद में बात करते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ लें. बेटा देखो, शेयर कैपिटल कैरिंग अ प्रेफरेंशियल राइट. प्रेफरेंशियल राइट मतलब बेटा प्रायोरिटी. शेयर कैपिटल कैरिंग अ प्रेफरेंशियल राइट मतलब प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड. तो प्रायोरिटी पहली कौन सी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. और वाइंडिंग अप के केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल लौटाने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल लौटानी पड़ेगी, इस टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, तो एक बात याद रखना बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास बेटा कितने राइट्स होते हैं, दो राइट्स होते हैं बेटा. कौन से दो? पहला राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल रीपे करने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल रीपे करनी पड़ेगी. तो पढ़े दोनों राइट्स. देखो पहला राइट है राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. चलो पढ़ो, इन केस वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सच प्रेफरेंशियल राइट मे बी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेट और फिक्स्ड अमाउंट और फ्री ऑफ इनकम टैक्स और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स. बेटा उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा. अब वो डिविडेंड या तो फिक्स्ड रेट होगा, चाहे फिक्स्ड रेट हो, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जैसे 10%, या फिक्स्ड अमाउंट हो जैसे 50,000, या फ्री ऑफ इनकम टैक्स हो मतलब कोई इनकम टैक्स नहीं है, या फिर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यानी बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा. अब वो डिविडेंड फिक्स्ड रेट हो, फिक्स्ड अमाउंट हो, फ्री ऑफ इनकम टैक्स हो, सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये तो हो गया पहला राइट. बेटा दूसरा राइट है एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और ये आता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप. बेटा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. ठीक है, पढ़ो, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल हैव प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड अप. तो याद रखना, अगर कंपनी कल को वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल रीपे करनी पड़ेगी. तो ये दो राइट्स किसके पास होते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास. अच्छा आगे चलते हैं बेटा, पढ़ना ध्यान से. शेयर कैपिटल शैल बी डीम टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वेदर और नॉट, अंडरलाइन कर देना बेटा, वेदर और नॉट इट इज एंटाइटल्ड टू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. तो उन्होंने बेटा क्या कहा है, उन्होंने कहा है नीचे जो दो राइट्स दे रखे हैं ना बेटा, ये दो राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कहेंगे. तो बेटा सुनो, दो राइट्स का होना जरूरी है और दो राइट्स का होना ऑप्शनल है.
तो एक बात समझो, कौन से दो राइट्स का होना जरूरी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन दो राइट्स का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू बी क्लासिफाइड एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दो राइट्स ऐसे हैं जो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कहा जाएगा। कौन से दो राइट्स हैं बेटा? पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट्स। वैसे पता है, एक बार बताऊं बेटा आपको, कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाती है ना, उन प्रॉफिट्स में बेटा वो प्रॉफिट्स बिलोंग सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही करते हैं। मतलब एक बात याद रखना बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रॉफिट्स में हिस्सा सिर्फ होता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स डिविडेंड। डिविडेंड के अलावा बाकी जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सब किसको बिलोंग करते हैं बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कंपनीज एक्ट ने? कंपनीज एक्ट ने कहा कि अगर आप प्रॉफिट्स में हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे रहे हो और आप प्रॉफिट्स में हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे रहे हो, जनरली बेटा प्रॉफिट सिर्फ किसको बिलोंग करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड बिलोंग करता है, डिविडेंड के बाद जो प्रॉफिट्स बचते हैं वो सारे बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बिलोंग करते हैं। बट उन्होंने कहा अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स में हिस्सा दे रहे हो तो भी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही कहलाएंगे, जनरली उनका बेटा प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं होता है। बट अगर आप प्रॉफिट्स में हिस्सा दे भी रहे हो तो भी बेटा वो क्या कहलाएंगे? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही कहलाएंगे। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट्स में हिस्सा डिविडेंड के अलावा हो या ना हो बेटा उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरा है बेटा पार्टिसिपेशन इन सरप्लस असेट्स। बेटा एक बात याद रखना, जब कंपनी बेटा लिक्विडेट होती है ना तो कंपनी के सारे असेट्स को बेचा जाता है, कंपनी के असेट्स को बेच के जो पैसा आता है ना बेटा उससे सबसे पहले पेमेंट होती है आउटसाइड लायबिलिटीज की। ठीक है, उसके बाद पेमेंट होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद जो भी बचते हैं असेट्स, जो भी, वो बेटा जाते हैं सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सारे के सारे असेट्स बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप सरप्लस असेट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हिस्सा दे रहे हो ना तो भी वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कहलाएगी। वैसे बेटा याद रखना, सरप्लस असेट्स जो लास्ट में असेट्स बचते हैं लिक्विडेशन के केस में, वो सिर्फ बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं। बट एक बात याद रखना, अगर आपने सरप्लस असेट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हिस्सा दिया है ना तो भी वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही कहलाएंगे। यानी बेटा एक बात मैं सिंपल समझाऊं, सुनो बेटा, इन दोनों राइट्स का होना बेटा कंपलसरी है। बिना इन दोनों राइट्स के आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं कहलाओगे, तो इन दोनों राइट्स का होना कंपलसरी है। इन दोनों राइट्स का होना बेटा कंपलसरी है। ठीक है, हाउएवर बेटा दो राइट्स हैं जो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से दो राइट बेटा? पहला, शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स में हिस्सा अगर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और दूसरा शेयर इन सरप्लस असेट्स। बेटा ये दोनों राइट, इनका होना कंपलसरी नहीं है बेटा, इनका होना ऑप्शनल है। मतलब ये दो राइट हो या ना हो
फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कहा जाएगा। तो इन दो राइट्स का होना क्या होता है? ऑप्शनल। तो आप अगर प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रहे हो तो भी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, नहीं ले रहे तो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। वाइंडिंग अप के केस में सरप्लस असेट्स में आपका शेयर है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कहा जाएगा। तो एक बार मैं बेटा सम अप कर देता हूं। वैसे बताओ प्रॉफिट्स में हिस्सा वैसे सिर्फ किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिस्सा भी है ना तो भी आपको बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही कहा जाएगा। ऑल्दो होता नहीं है प्रॉफिट्स में हिस्सा बेटा, बट अगर है भी तो भी आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। ऐसे ही लिक्विडेशन के केस में जो सरप्लस असेट्स बचते हैं उनमें वैसे हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी हिस्सा है तो भी आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही कहलाओगे बेटे, तो भी आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही कहलाओगे। तो दो ये दोनों राइट बेटा हो या ना हो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही कहलाओगे। सब बताओ बेटा समझ आया ये वाला केस सबको? चले आगे। ये हो गई बेटा हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा अब कंपनीज एक्ट ने ना पता है इक्विटी शेयर कैपिटल को कैसे डिफाइन किया है? उसने कहा है शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब वो शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो क्या है फिर? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? वो इक्विटी है बेटा, ठीक है। और मैंने अभी बताया बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने तरह की हैं? दो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा शॉर्ट में समझते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। देखो बेटा दो कैपिटल हैं इक्विटी शेयर कैपिटल विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? जनरली पता क्या होता है, जनरली क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो ना तो एक शेयर पे आपको वोट एक मिलता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो आपके पास एक वोट डालने का राइट है, मतलब वोटिंग राइट होते हैं बेटा 1:1। 1:1 मतलब हर एक शेयर के बदले एक वोट, ठीक है। तो 1:1 का मतलब क्या है? फॉर एवरी वन शेयर आपके पास वन वोट है, वन राइट टू वोट। फॉर एवरी वन शेयर वन राइट टू वोट। तो हर एक शेयर के बदले आपके पास एक वोट डालने का राइट है। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के 5000 शेयर्स हैं तो मेरे पास उस कंपनी के 5000 वोटिंग राइट्स होंगे बेटा। ये होते हैं यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, एक शेयर के बदले एक वोट का राइट, ठीक है। अब बेटा जनरली ऐसा ही होता है बेटा, बट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बेटा क्या होते हैं? जनरली पता है ये DVRs जनरली इशू नहीं होते हैं, बट कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करे हैं, जैसे टाटा मोटर्स है बेटा। टाटा मोटर्स ने DVRs इशू करे थे। एक कंपनी है बेटा जैन इरिगेशन, इन्होंने भी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बेटा इशू करे थे। अब क्या होता है इनमें मैं आपको बताता हूं बेटा। मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेता हूं बेटा। टाटा मोटर्स ने ना जो DVRs इशू करे थे ना वो पता है क्या था? 1:10।
इन्होंने DVRs इशू करे थे 1:10 के रेशियो में। और पता है बेटा 1:10 में क्या मतलब था? 1:10 का मतलब था जिसके पास 10 शेयर है ना कंपनी के, जिसके पास 10 शेयर हैं कंपनी के उसको मिलता है एक राइट टू वोट। मतलब उसके पास एक वोट डालने का राइट होगा बेटा। तो जिसके पास 10 शेयर हैं उसको मिलेगा एक वोट डालने का राइट। तो मेरे पास, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो बेटा, जिसके पास 10 शेयर हैं उसको मिलता है एक वोट डालने का राइट। तो मेरे पास अगर किसी कंपनी के टाटा मोटर्स के 5000 शेयर है तो मुझको मिलेगा 1/10 × 5000 बेटा, 500 वोट्स डालने का राइट, 500 वोट्स डालने का राइट मिलेगा मेरे को। इन्हें हम कहते हैं बेटा DVRs, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो बेटा यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स में एक शेयर के बदले एक वोट, जबकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में आपको मिलते हैं 10 शेयर के बदले एक वोट। ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, 1:2 हो सकता है, मतलब 2 शेयर के बदले एक वोट, 1:5 हो सकता है, 5 शेयर के बदले एक वोट। टाटा मोटर्स ने जो DVRs इश्यू करे थे वो 1:10 के रेशियो में थे, मतलब 10 शेयर के बदले एक वोट डालने का राइट। इसे हम कहते हैं बेटा DVRs। जनरली बेटा DVRs उतने कॉमन नहीं है, जनरली जो शेयर्स इश्यू होते हैं वो विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स ही इश्यू होते हैं। डिफरेंस बेटा समझ आया सबको? कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आगे चलता हूं बेटा। समझ आया? चलो अब ना बेटा कुछ और बातें करेंगे। ये देखो इंपॉर्टेंट बातें बेटा DVRs के रिस्पेक्ट में। देखना, प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। बेटा ये जो रूल 4 है ना, ये अप्लाई होता है एप्लीकेबल ऑन DVRs। ये बेटा रूल DVRs के रिस्पेक्ट में ही बात करता है, ये रूल एप्लीकेबल होता है DVRs पे, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स पे। पढ़ना जरा ध्यान से, उन्होंने कहा लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। मतलब अगर आपको DVRs इश्यू करने हैं तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा जो रूल 4 में स्पेसिफाइड है। बेटा क्या क्या है पढ़ो। पहला, इश्यू ऑफ शेयर्स विद DVRs मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। तो सबसे पहले तो है DVRs आप इश्यू तभी कर पाओगे जब आपको ऑथराइज कौन करेगा बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने आपको पावर दी है DVRs इश्यू करने की तो ही आप DVRs इश्यू कर सकते हो, नहीं तो नहीं। पहला। दूसरा, इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब बेटा एक बात याद रखना, अगर आपको DVRs इश्यू करने हैं तो आपको कंसेंट चाहिए होगा शेयर होल्डर्स का। 75% का कंसेंट नहीं चाहिए बेटा, मेजॉरिटी का चाहिए, मतलब मोर देन 50% ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। तो आपको कंसेंट चाहिए शेयर होल्डर्स का, कितने शेयर होल्डर्स का, मोर देन 50% का, ठीक है, मोर देन मेजॉरिटी का कंसेंट चाहिए आपको। और कंसेंट कैसे, बाय पोस्टल बैलेट। याद करो पोस्टल बैलेट मैंने आपको बताया था बेटा, पोस्टल बैलेट में बेटा वो क्या करते हैं शेयर होल्डर्स, घर बैठे बैठे वो लोग अपना वोट दे सकते हैं फेवर में या अगेंस्ट में। कैसे, घर बैठे बैठे वो अपना वोट दे सकते हैं फेवर में या अगेंस्ट में। कैसे देंगे घर बैठे बैठे बेटा, सिंपल तरीका बताता हूँ। एक पेज लेंगे, उस पेज पे लिखेंगे वो फेवर में है या वो अगेंस्ट में है,
पेज पे लिखेंगे और उसे कंपनी के पते पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज पोस्टल बैलेट। तो घर बैठे बैठे वो फेवर में या अगेंस्ट में वोट डाल सकते हैं बेटा, दिस इज नोन एज पोस्टल बैलेट। आगे डिटेल में समझेंगे बेटा, ठीक है। तो अभी तक बताओ हमने कितनी रिक्वायरमेंट्स करी। पहली, आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए। दूसरी बात, कंसेंट चाहिए शेयर होल्डर्स का। कौन सा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब मोर देन 50% का कंसेंट चाहिए। कैसे? बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। अब तीसरी, जरा थोड़ा ध्यान से बेटा, तीसरी ध्यान से, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब ये बेटा बात समझना मेरी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लिखो मेरे साथ एक एग्जांपल बेटा। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी में ना इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा दो तरह की है। दो ही होती है बेटा, कौन कौन सी? विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और एक होती है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो दो इक्विटी शेयर कैपिटल है। पता है कितने कितने शेयर्स हैं बेटा? यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो 1 lakh तो ये हो गया। और बेटा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले 25,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2,50,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है टोटल 3,50,000। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा कंपनी की। अब आप एक काम और करो, इसी के साथ में लिखो वोटिंग पावर। चलो मुझे बताओ बेटा, सुनो, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले 10,000 शेयर्स है बेटा। यहां पर बेटा वोटिंग पावर किस रेशियो में मिलती है? 1:1। तो एक शेयर के बदले एक वोट, तो 10,000 शेयर के बदले बेटा 10,000 वोट आ गए, ठीक है। अच्छा बेटा, डीवीआरस जो इश्यू हुए थे ये 1:10 का रेशो है। 1:10 का रेशो मतलब बताओ, हर 10 शेयर के बदले एक वोट, तो 10 शेयर के बदले एक वोट, तो 25,000 शेयर्स के बदले बेटा 2,500 वोट। तो 2,500 वोट, तो टोटल वोटिंग पावर आ गई 12,500। ये आपकी टोटल वोटिंग पावर आ गई, क्लियर हुआ बेटा। उन्होंने पता है कंडीशन लगाई है, ठीक है। क्या कंडीशन है जरा एक बार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सुनो, उन्होंने कहा है आप एक काम करो, आप निकालो परसेंटेज वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीवीआरस। आप निकालो परसेंटेज वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीवीआरस। तो मुझे बताओ बेटा, डीवीआरस के केस में वोटिंग पावर कितनी है? 2500 वोट्स डिवाइड बाय टोटल वोटिंग पावर क्या है? 12,500 वोट्स इनटू 100। तो बेटा कितना परसेंट वोटिंग पावर आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ डीवीआरस? 20%। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा आपकी वोटिंग पावर परसेंटेज में, वोटिंग पावर डीवीआरस के रिस्पेक्ट में टोटल वोटिंग पावर का 74% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब बेटा याद रखना, डीवीआर के रिस्पेक्ट में जो वोटिंग पावर होगी वो मैक्सिमम 74% हो सकती है। किसका? टोटल वोटिंग पावर का। तो मैंने क्या कहा है बेटा, डीवीआर की वोटिंग पावर टोटल वोटिंग पावर का बेटा मैक्सिमम
74% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो हमारे वाले केस में तो सिर्फ 20% है बेटा, मतलब कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही हैं। डीवीआर की वोटिंग पावर टोटल वोटिंग पावर का 74% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और हमारे केस में तो सिर्फ 20% है बेटा। कॉपी कर लो इसे, मेरे ख्याल से समझ आया बेटे। डीवीआरस के रिस्पेक्ट में जो वोटिंग पावर है वो टोटल वोटिंग पावर का मैक्सिमम 74% हो सकती है। आगे चलें बेटे, बस बाकी सिंपल है। अब देखो, अब बेटा कुछ रिक्वायरमेंट्स और हैं। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। बेटा एक बात याद रखना, सपोज सपोज कंपनी बेटा डीवीआर इश्यू करना चाहती है, फाइनेंशियल ईयर 1920 में डीवीआर इश्यू करना चाहती है, तो उन्होंने कहा है 1920 में आप डीवीआर इश्यू तभी कर सकते हो जब पिछले 3 सालों में, पिछले 3 साल मतलब 18-19, 17-18, 16-17, पिछले 3 सालों में आपने डिफॉल्ट ना किया हो किस चीज में, इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। तो पिछले 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग में या एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग में आपने डिफॉल्ट कमिट ना किया हो तो आप क्या इश्यू कर सकते हो डीवीआर, नहीं तो आप इश्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, पॉइंट आया बेटा। अच्छा, फिर कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इंटरेस्ट और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सुनो बेटा, उन्होंने कहा है कंपनी ने ना कोई डिफॉल्ट ना किया हो डिविडेंड की पेमेंट में, मतलब जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया था वो आप पे कर चुके हो, डिफॉल्ट ना हुआ हो, या फिर डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, या फिर डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, डिबेंचर्स की रीपेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, तो ही आप डीवीआरस इशू कर पाओगे। तो एक बात सुनो, डिविडेंड की पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन में डिफॉल्ट ना किया हो, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में आपने डिफॉल्ट ना करा हो, तो अगर इनमें से कोई डिफॉल्ट किया है तो आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर से डिफॉल्ट का केस है। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक और इंटरेस्ट पेबल देरऑन। आपने किसी लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, उस लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट में आपने डिफॉल्ट ना किया हो। अच्छा, ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू इट्स एम्प्लॉइज। अच्छा सुनो, कुछ ड्यूज आपको बेटा एम्प्लॉइज को पे करने पड़ते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। स्टैट्यूटरी मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, ये सब क्या हैं? स्टैट्यूटरी पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज। तो अगर आपने किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करने में, स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेमेंट करने में आपने कोई डिफॉल्ट किया है तो भी आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे बेटा। पॉइंट क्लियर? अच्छा, क्रेडिटिंग द अमाउंट टू
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो अगर बेटा आपने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा जमा नहीं कराया, जो आपको कंपनीज एक्ट कहता है जमा करवाने को, तो भी याद रखना आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे बेटा। तो बेटा अगर मैं यहां तक अभी पढ़ू ना, तो सुनो किस किस में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइलिंग में, एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिविडेंड की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट्स की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा अगला, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन के पेमेंट में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आपको अमाउंट डिपॉजिट करना था, उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से एक में भी डिफॉल्ट है बेटा, आप डीवीआर इश्यू नहीं कर पाओगे। अच्छा फिर उसने क्या कहा है, However, a company may issue shares with differential rights upon expiry of 5 years from the end of financial year in which such default was made good. अब बेटा एक बात सुनो, मैं आपको example देता हूँ। जैसे suppose loan की बात करते हैं बेटा, देखो loan की बात करते हैं बेटा, एक loan था बेटा, जिसकी repayment करनी थी आपको 15-16 में, फाइनेंशियल ईयर 15-16 में आपको लोन की रीपेमेंट करनी थी, आपने नहीं करी लोन की रीपेमेंट, तो डिफॉल्ट करा, तो इसका मतलब बेटा आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। हमने क्या करा, लोन रीपे कर दिया बेटा, 16-17 में हमने रीपे कर दिया लोन, करना था 15-16 में, नहीं करा हमने, 16-17 में रीपे कर दिया। तो उन्होंने कहा जिस साल में आपने लोन रीपे करा है, वहां से 5 साल तक आप डीवीआर इश्यू नहीं कर पाओगे। मतलब बेटा जिस साल में लोन रीपे हुआ है ना, उसके एंड से 5 साल तक आप लोन डीवीआर इश्यू नहीं कर पाओगे। तो 16-17 का एंड कब हुआ, 31 मार्च 17 को, वहां से 5 साल तक। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा 5 साल हो गए आपके, 31 मार्च 22 तक आप डीवीआर इश्यू नहीं कर पाओगे। हाँ, जैसे ही 5 साल का पीरियड बेटा खत्म होता है, आप डीवीआर इश्यू कर पाओगे। तो याद रखना, आपने जिस साल में लोन की रीपेमेंट करी है, वहां से उस साल के एंड से 5 साल तक आप फिर से डीवीआर इश्यू नहीं कर पाओगे। 5 साल खत्म होने के बाद आप फिर से डीवीआर इश्यू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर उसने बेटा क्या कहा है, उसने कहा है कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ एनी ऑफेंस। सुनो बेटा, आपको ना पनिशमेंट नहीं हुई हो, ठीक है, कोर्ट ने आपको पनिशमेंट ना दी हो, ट्रिब्यूनल ने आपको पनिशमेंट ना दी हो फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन स्पेसिफाइड इन आरबीआई एक्ट 1934, आपने आरबीआई एक्ट 1934 के किसी प्रोविजन का उल्लंघन ना किया हो, सेबी एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन ना करा हो, एससीआरए का उल्लंघन ना करा हो, फेमा मतलब बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके भी किसी प्रोविजन का उल्लंघन ना किया हो। बेटा अगर इन प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं करा है पिछले 3 सालों में, तो आप इस साल डीवीआर इश्यू कर सकते हो बेटा। ठीक है, अच्छा
अगला आता है बेटा हमारा नो कन्वर्जन, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेटा, नो कन्वर्जन। उन्होंने कहा कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड वाइस वर्सा। बेटा एक बात याद रखना, आप यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो कन्वर्जन अलाउड नहीं है, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को आप यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर नेचर ऑफ राइट, द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल एंजॉय all other rights such as bonus shares, right shares, etc., which holders of equity shares are entitled to, subject to differential rights with which such shares have been issued. बेटा उन्होंने कहा है कि ना voting rights के इलावा बाकी सब rights जो normal किसी equity shareholder को मिलते हैं ना, वही सब आपको भी मिलेंगे विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मैंने क्या कहा सुनो बेटा, मैंने कहा एक तरफ है शेयर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, एक तरफ है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। लॉ कहता है कि जो राइट्स यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को मिलेंगे ना, वही सारे राइट्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को भी मिलेंगे एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स, है ना। मतलब यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलेंगे तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को भी बोनस शेयर्स मिलेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स मिलेंगे तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को भी राइट शेयर्स मिलेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 10% के हिसाब से तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा 10% के हिसाब से। मतलब कहने का यह है वोटिंग राइट्स के अलावा बाकी सब राइट्स दोनों क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के सेम ही होंगे, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उन्होंने क्या कहा है, द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 88 शैल कंटेन ऑल रेलेवेंट पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इश्यूड अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ठीक है, डीवीआर वाले जो शेयर होल्डर्स है ना, उनकी सब डिटेल आपको अपने पास मेंटेन करनी पड़ेगी, किस में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, जो कि मेंटेन होता है अंडर सेक्शन 88। बेटा आगे पढ़ेंगे ये हम, ठीक है। तो जो भी डीवीआर वाले शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर में अंडर सेक्शन 88, ठीक है। फिर अगला, डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, देखो द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स्ट टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग shall contain various matters like particulars of issue including its size, details of differential rights etc. मैं आपको एक बार समझाता हूँ बेटा। देखो बेटा होता क्या है, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था कि differential voting rights वाले shares को issue करने के लिए आपको shareholders का consent चाहिए more than 50%, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, और ये कंसेंट वो कहां पर देंगे बेटा, जनरल मीटिंग में वो कंसेंट अपना देंगे जनरल मीटिंग में। तो कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी शेयर होल्डर्स को बेटा नोटिस भेजती है, कंपनी शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजती है जनरल मीटिंग का, ठीक है। इस नोटिस के साथ कंपनी अटैच करती है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट,
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बेसिकली क्या लिखा होता है, एजेंडा, मीटिंग का एजेंडा मेंशन होता है इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। मतलब ये मीटिंग किस मुतल्लिक करी जा रही है, ठीक है। तो आपको ना इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एजेंडा बताना पड़ेगा कि मीटिंग किस मुतल्लिक करवाई जा रही है और उसमें क्या क्या, और आपको बताना पड़ेगा कि हम जो इशू लेके आ रहे हैं उसका, उसके बारे में, इशू के बारे में, जैसे उसका साइज कितने रुपए का इशू है। अच्छा, फिर डिटेल्स ऑफ डिफरेंशियल राइट्स, मतलब ऐसे क्या राइट्स हैं जो डिफरेंशियल हैं, जैसे वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एजेंडा बताना पड़ेगा कि ये मीटिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ शेयर्स विद डीवीआरस, ठीक है। अच्छा, आपको बताना पड़ेगा पर्टिकुलर्स ऑफ इशू, पर्टिकुलर्स ऑफ इशू, जैसे ये इशू कितने रुपए का है, सपोज ये इशू 5 करोड़ रुपए का है। अच्छा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस इशू में जो शेयर्स इशू करे जाएंगे उनमें वोटिंग राइट्स 1:1 नहीं होंगे बल्कि 1:10 होंगे, मतलब हर 10 शेयर पे आपको एक वोट मिलेगा। तो ये सब बातें आपको उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी। और फिर डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल इन ईयर इन विच इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वॉज कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब डिटेल्स। तो ठीक है, बाकी बेटा जो भी ये सब चीजें हैं ना, ये सब चीजें हैं जो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताओगे बेटा, वो सब चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में। ये भी हम लोग बेटा आगे पढ़ेंगे, बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है आप लोग पढ़ोगे आगे। बस इसी के साथ बेटा आपका सेक्शन 43 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से बेटा सिंपल था सेक्शन, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।